नमस्कार, मैं प्रियंका, हमारे कार्यक्रम शहर आपका मैं आपका स्वागत करती हूँ। गाड़ियाँ जो हमारे सफ़र को आसान बनाती है, उन्हें खरीदते वक्त हम अपने स्टाइल और कंफर्ट का पूरा ध्यान रखते हैं। किसी को माइलेज पसंद आता है तो किसी को गाड़ी के फीचर्स। गाड़ी के अलग अलग फीचर्स को जानने के लिए और ये जानने के लिए कि गाड़ी खरीदते वक्त हमें किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, अभी हम आए हुए हैं बोकारो के चंदन क्यारी प्रखंड के नीलम बजाज शोरूम में। तो चलिए चलते हैं। शोरूम तो हमने देख लिया, अब बात करते हैं नीलम बजाज के ओनर संजय रजक जी से। उनसे कुछ अहम बिंदुओं पर बात करेंगे जो कि जब आप गाड़ी खरीदने आएंगे तो आपके लिए वो मददगार साबित होगी। संजय जी, सबसे पहले हमें बताएं कि कितने तरह की वैरायटीज़ के गाड़ी आपके पास अभी मौजूद है? यहाँ बजाज के सभी वैरायटी उपलब्ध है, जिसमें सिटी 100 आती है कम रेंज का, उसके बाद प्लेटिन आती है, उसके बाद पल्सर। पल्सर के तीन मॉडल हैं 150 cc में, ठीक है, सिंगल डिस्क, नियॉन और डबल डिस्क। तो जब कोई व्यक्ति यहाँ पर गाड़ी खरीदने आता है तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? उन्हें कस्टमर आते हैं तो वो सबसे पहला, यहाँ तो गांव है, वो पहले माइलेज वाला बाइक यहाँ खोजते हैं, तो उसमें मेरा सिटी 100 प्लेटिना ये ज़्यादा बिकता है यहाँ। और अभी जो यंग जनरेशन है वो हैवी बाइक्स खोजती हैं, उनके लिए कौन सी बाइक है यहाँ? उनके लिए तो बजाज के नंबर वन गाड़ी है बजाज पल्सर। बजाज पल्सर भी अच्छा यहाँ डिमांड है, अभी तो 3 साल हुआ है शोरूम यहाँ खुला हुआ। पहले क्या होता था कि कस्टमर को यहाँ से 30 किलोमीटर जाना पड़ता था बोकारो या धनबाद खरीदने, अब कस्टमर को यहीं उपलब्ध बजाज के हर बाइक हो जा रही है। अच्छा, यहाँ पर फाइनेंस की क्या सुविधा है? यहाँ तीन फाइनेंस मिला है, एक है बजाज फाइनेंस जो बजाज की तरफ से है, एक है HDB और एक है इंडसइंड बैंक। तीन फाइनेंस है यहाँ, 15 से 10 मिनट में फाइनेंस उपलब्ध हो जाती है। अच्छा, EMI पर भी लोग खरीदी करते हैं क्या? हाँ, EMI पर भी होती है। अभी नया आने वाला है जो ATM कार्ड से ही, ATM कार्ड डालेंगे तुरंत EMI हो जाएगा, वो भी यहाँ पर चालू होने वाली है, ये 10-15 दिन में चालू हो जाएगी। अच्छा, जब लोग गाड़ी खरीदते हैं तो क्या आप डिलीवरी करते हैं उनके घर तक? कस्टमर के घर भी हम गाड़ी डिलीवर कर देते हैं, ठीक है ना, जो कस्टमर बोलते हैं मेरा घर डिलीवर कर दे तो उसके घर जाके मैंने डिलीवर कर देता हूँ। और नंबर प्लेट जो होते हैं गाड़ियों में लगते हैं वो कितने दिन बाद आ जाते हैं? देखिए, नंबर तो 10 दिन में उपलब्ध हो जाती है, नंबर प्लेट आने में उसके 4 से 5 दिन लगता है, यानी कि 15 दिन में नंबर प्लेट भी आ जाती है। कार्ड निकलने में मतलब 20-25 दिन में कार्ड सब उपलब्ध हो जाती है। अभी सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पे कौन सी बाइक डिमांडेड? अभी तो देखिए प्लेटिना अच्छा डिमांड है, अभी सिटी 100 भी है और पल्सर भी, तीनों अच्छी बिक रही है यहाँ। अच्छा, कोई अगर कस्टमर माइलेज के हिसाब से खरीदने आए तो कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा बिकती है? देखिए, अगर माइलेज के हिसाब से अगर कोई कस्टमर खरीदना चाहते हैं तो प्लेटिना नंबर वन बाइक है बजाज की, जो हर जगह बिकती है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। अच्छा, ऐसा कुछ स्पेशल फीचर्स है क्या बाइक्स में जो अलग दुकानों में नहीं होते हैं? देखिए, प्लेटिना में मेरा क्या है कि वो 80 का माइलेज देगा, जो कोई हीरो हो चाहे होंडा हो चाहे कोई हो, वो 80 का माइलेज नहीं देगा, जो बजाज में उपलब्ध है। प्लेटिना 80 का माइलेज देता है, सिटी 100 भी 80 का माइलेज देता है, मेरा 150 cc का 50 का माइलेज देता है, जो कि कोई भी 150 cc का 50 का माइलेज नहीं देती है, ठीक है ना, ये मेरा हमारे बजाज में है। अब क्या बायबैक सिस्टम है क्या? हाँ, एक्सचेंज ऑफर चलती है, एक्सचेंज ऑफर 12 महीना मेरा चलती है। पुराना गाड़ी लेके वो उस बाइक का मैं वैल्यू लगाता हूँ और नया बाइक में वो वैल्यू मैं पैसा कम कर देता हूँ, फिर उसे नया बाइक उपलब्ध करवा देता हूँ। जब बाइकों की वैल्यू लगाते हैं तो क्या चीज़ को ध्यान में रखते? गाड़ी तो सबसे पहला जो एक्सचेंज में गाड़ी आती है उसको मैं कंडीशन में देखता हूँ, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, जिस तरह गाड़ी कंडीशन में था उस तरह मैं उसका वैल्यू देता हूँ और नया बाइक में वो अमाउंट लेस कर देता हूँ।
अच्छा, कब ये एक्सचेंज ऑफर ज़्यादा होता है, त्योहारों में या नॉर्मल डेज में भी? ऐसे फेस्टिवल में ज़्यादा चलता है, ऐसे 12 महीने चलता है लेकिन फेस्टिवल में ज़्यादा चलती है। सिर्फ बजाज के गाड़ियाँ आप एक्सचेंज करते हैं या कोई और भी कंपनी के? मैं हर ब्रांड एक्सचेंज कर देता हूँ, चाहे हीरो हो, चाहे होंडा हो, चाहे TVS हो, चाहे स्कूटी हो, हर बाइक, हर स्कूटी मैं एक्सचेंज करता हूँ। अब हम बात करेंगे नीलम बजाज के सेल्स पर्सन आशीष बावरी जी से। आशीष जी, हमें बताइए कि जब लोग आते हैं तो किन चीज़ों को ज़्यादा में ध्यान में रखकर गाड़ियाँ खरीदते हैं? जो यहाँ पे कस्टमर आते हैं वो आपका न्यू जनरेशन, जो पहला उनका पसंदीदा बाइक है पल्सर 150 180 2000, ठीक है, CC का। और इधर तो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र का युवा पीढ़ी जो आते हैं वो अधिकतर पल्सर ही पसंद करते हैं। प्लस इसमें देखते हैं कि वो ग्रामीण में होता है क्या, रोड वगैरह सही से वो कंप्लीट नहीं रहता, ऊपर खबड़ कंप्लीट रहता है, तो इसका जो पल्सर का है वो आपका सोकर वगैरह पूरा मजबूत रहता है, ठीक है, और इसका देखने में पल्सर लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और जो आपका न्यू जनरेशन का है वो आपका पल्सर प्लस आपका हो गया डिनोवर पल्सर 180 ये सब ज़्यादा पसंद होता है। अच्छा, आपके यहाँ BS4 इंजन्स मिलते हैं या BS6? नहीं, BS6 जी, FI इंजन है, बिना कार्बेटर बिना चौक का, माइलेज भी इसका ठीक है, 60 है। जब कोई नए व्यक्ति आते हैं जो पहली बार गाड़ी खरीदे तो उनको आप कैसे समझाते हैं गाड़ियों के बारे में? देखिए, अगर कोई आप कस्टमर आता है, अगर वो सीनियर सिटीजन हो, न्यू कमर्सन हो या न्यू जनरेशन का हो, तो वो बोलते हैं कि हमको माइलेज वाला गाड़ी चाहिए, तो सबसे पहले हम अपना बताते हैं जो प्रोडक्ट है CT 100 जो 80 का माइलेज देता है, और उससे उसको कुछ अलग डिफरेंस में गाड़ी चाहिए तो उनके बाद हम बताते 150 पल्सर जो माइलेज में 50+। जैसा कि आपने बताया ये रूरल एरिया है, लोग बहुत से होते हैं जो सामान लेकर जाते हैं गाड़ी पर, तो उसके लिए सबसे बेटर गाड़ी कौन सी है यहाँ? जी, उसके लिए सबसे बेटर गाड़ी आपका पलिटिना, ठीक है, उसमें आप 1 से 1.5 क्विंटल तक सामान ले जा सकते हैं। अगर कोई व्यवसायदार हो, कोई बिजनेस करने वाला हो, तो उसके लिए वो बेटर है पलिटिना। कौन सी गाड़ी अभी ज़्यादा बिक रही है? जी मैम, जी जो है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गाड़ी बेचती है वो 125 है पल्सर का। से आप इस शॉप में बाइक खरीदने आए, इसका क्या कारण है? ये ऐसा कारण यही है कि बस मतलब हम लोग को सामने पड़ता है यहाँ पर और गाड़ी अवेलेबल है, इसलिए यहीं पर अभी लेने का खोज रहे हैं। सामने में कुछ दिक्कत होगा तो फिर जल्दी यहाँ पर हो जाएगा। इसमें कौन सी बाइक आप ले रहे हैं? बाइक अभी तो फिलहाल ये पल्सर 125 पसंद किए हैं, घर में भी सब यही बोल रहा है कि अभी लॉकडाउन में थोड़ा बजट भी ठीक रहेगा और अच्छा भी लग रहा है, डिज़ाइन भी नया आया है, कलर भी नया आया है, तो यही अभी स्टाइलिश भी है, लुक भी है, यंगस्टर के लिए ठीक भी है और मतलब सब कुछ मतलब ठीक ही है। 125 CC में सेगमेंट में जो गाड़ी जितना भी गाड़ी है उसमें से अच्छा है मतलब, और उससे थोड़ा ठीक ही है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने पड़े गाड़ी लेने के? डॉक्यूमेंट्स तो देखिए अभी ये बोल रहे हैं कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और फोटो और बैंक पासबुक, वही सब मांग रहे हैं। अगर आप नीलम बजाज शोरूम आना चाहे तो आप अगर बोकारो से आते हैं तो आपको 30 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। अगर आप चंदन क्यारी मोड़ से आते हैं तो ये सिर्फ 100 कदम की दूरी पर है, और एक खास बात कि ये चंदन क्यारी थाना के ठीक सामने है। हमने पूरा नीलम बजाज शोरूम घूमा और बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा की। ऐसे ही बने रहे द टाइम्स मीडिया के साथ, मैं प्रियंका। बने रहे TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।